हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ में आज पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे पहले उत्तर भारत का इतिहास तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पे सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप लोग उन सबको भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एहोल परस्ती का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? एहोल परस्ती का जो रचयिता है रवि कीर्ति, ये किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेसिन प्रथम का, पुलकेसिन द्वितीय का, विक्रमादित्य प्रथम का, या फिर विक्रमादित्य द्वितीय का? तो रवि कीर्ति जो है एहोल परस्ती के रचयिता, ये पुलकेसिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। और ये एहोल कहाँ पर है? एहोल है कर्नाटक के बीजापुर में। कहाँ पे है एहोल? कर्नाटक के बीजापुर में स्थित प्राचीन स्थल है, जिसकी रचयिता किसने, परस्ती, एहोल परस्ती का जो है रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति है, और ये चालुक्य शासक पुलकेसिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है। सूची वन में राजवंश दिया है और सूची टू में राजधानी दिया है, ठीक है? किस राज्य की कौन सी राजधानी थी वो हमें मिलाना है। तो प्राचीनतम चालुक्य यानी कि चालुक्य का जो मूल शाखा था, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की जो मूल शाखा थी, इनकी राजधानी थी बातापी या बादामी, जो कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में थी, ठीक है? तो चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी कहाँ थी? बादामी कर्नाटक में थी। पूर्वी चालुक्य की वेंगी आंध्र प्रदेश में थी, और पश्चिमी चालुक्य की कल्याणी कर्नाटक में थी। ओके, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू और सी का थ्री। नेक्स्ट ये भी सुमेलित करना है, राज्य हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है? तो वातापी के चालुक्य यानी जो मूल चालुक्य थे, इस राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी पुलकेसिन प्रथम के द्वारा। वेंगी के चालुक्य जो पूर्वी चालुक्य थे, उनके इनकी स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य जो पश्चिमी चालुक्य थे, इनके संस्थापक थे तैलब द्वितीय। और कांची के पल्लव, इनके संस्थापक थे श्री विष्णु, ठीक है? सो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ए का वन, बी का टू और सी का थ्री एंड डी का फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने वाले तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वो किस चालुक्य शासक को जाता है? ये जाता है पुलकेसिन प्रथम को, ठीक है? पुलकेसिन प्रथम ने बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया था और बादामी को जो है राजधानी बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो हर्षवर्धन को, ये हर्षवर्धन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है, बट अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था, ये किस चालुक्य शासक ने किया था? पुलकेसिन द्वितीय ने किया था, ठीक है? पुलकेसिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था। नेक्स्ट, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का जो आरंभ है ये किया गया था पुलकेसिन द्वितीय के ही द्वारा। नेक्स्ट, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेसिन द्वितीय की हत्या करके वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा मतलब वातापी का विजेता, इसकी उपाधि धारण की थी। तो किसने जो है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेसिन द्वितीय की हत्या कर दी थी और फिर वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था नरसिंह वर्मन मल्लम ने, ठीक है? मम्मल ने, नरसिंह वर्मन प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था? पुलकेसिन द्वितीय की हत्या करके वातापी कोंडा यानी कि वातापी के विजेता की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन जो है ये पल्लव राजवंश के राजा थे, ठीक है? नेक्स्ट, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा गया है? तो वो कौन सा चालुक्य शासक था जिसने चेर, चोल और पांडे इन तीनों को हराया था, मतलब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा जाता है इनको? तो ये
विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम जो है इन्होंने चेर, चोल और पांडे तीनों को हराया था, जिस कारण उनको तीन समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है, विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो लगभग 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने, और वहाँ के शासक थे महेंद्र पंचम, उसको परास्त किया था। ठीक है, तो श्रीलंका पर विजय किस चोल वंश के प्रतापी राजा ने किया था? राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर अभियान किया था, और उस समय वहाँ के शासक थे महेंद्र पंचम, उसको परास्त करा था। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये किसने कराया था? तो पहाड़ियों को काट करके एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कराया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के नरेश थे कृष्ण प्रथम थे, इनके द्वारा कराया गया था कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अब ये मंदिर कहाँ पे है? एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने तंजौर में वृषदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? वृषदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये तंजौर में किसने करवाया था? राजा प्रथम ने कराया था। ठीक है, राजा प्रथम ने तंजौर में वृषदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित ये एक हिंदू मंदिर है, इसे तमिल भाषा में वृद्रीश्वर के नाम से जाना जाता है। वृषदेश्वर को किस नाम से जाना जाता है तमिल भाषा में? वृद्रीश्वर के नाम से। और इसका निर्माण हुआ था 1003 से 1010 ईस्वी के बीच। किस शासक ने कराया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, तंजौर में जो विदेश्वर का मंदिर, इसका निर्माण राजराजा प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक रहा वो पुलकेसिन द्वितीय था। पुलकेसिन द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा ही, तो ये जो था सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी थी इनमें से तंजौर, तमिलनाडु में जो है ये चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की राजधानी मदुरे थी। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग है। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो वो कौन सा राजवंश था जिसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है? तो वो था चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश हमने पढ़ा भी राजेंद्र प्रथम के बारे में। राजेंद्र प्रथम जो है वो चोल राजवंश के सिंहासन पर बैठे, और उन्होंने अपने विजय अभियान के आरंभ में ही पश्चिमी चालुक्य पांड्यों एवं चेरों को पराजित किया था। इसके बाद 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर अभियान करके श्रीलंका पर भी अधिकार किया था। तो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को किसने जीता था? चोल राजवंश ने जीता था। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर जो कि उड़ीसा के कंधमाल जिले में स्थित है, इसका निर्माण किया चालुक्यों ने। उड़ीसा के कंधमाल में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। नेक्स्ट है, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का जो स्थान है वो कहाँ है? महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र है। द्वार समुद्र जो है वो आधुनिक हेलविट का प्राचीन नाम था, आधुनिक अभी जो हेलविट है उसका प्राचीन नाम हुआ करता द्वार समुद्र। ये होयसल वंश के राजाओं की राजधानी थी जो वर्तमान में कर्नाटक क्षेत्र पर शासन करते थे। इस राजधानी की स्थापना किसने की थी? बिहीग ने की थी इस राजधानी की स्थापना, जो बाद में विष्णुवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। बिहीग जो है ये बाद में विष्णुवर्धन के नाम से विख्यात हुआ था, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? द्वार समुद्र था। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम ये कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादवों की जो राजधानी थी वो देवगिरी में थी। देवगिरी आधुनिक दौलताबाद का प्राचीन नाम है। इसकी स्थापना जो है, देवगिरी की स्थापना यादव वंश के राजा बिल्लम
द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, भिल्लम के द्वारा, भिल्लम के द्वारा जो है देवगिरी की स्थापना की गई थी। और फिर मोहम्मद तुगलक ने जो है देवगिरी को जीत करके अपना राजधानी बनाया और फिर इसका नाम, देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, तो यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी, देवगिरी थी, जिसका पुराना नाम, जिसका जो सॉरी देवगिरी थी जो जिसका अभी आधुनिक नाम दौलताबाद है। और दौलताबाद नाम कैसे पड़ा, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने देवगिरी को जीता, फिर राजधानी बनाया और उसका नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था, तो देवगिरी था, या फिर देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है, तो दौलताबाद है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं जो बुक में दिया एग्जैक्ट वही पूछेगा। इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो बताती हूँ, ताकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आप लोग बना पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने जो है शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो वो पहला भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, तो वो था राजराजा प्रथम। नेक्स्ट है, रवि कीर्ति के द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूति मंदिर ऐहोल का संबंध है। तो रवि कीर्ति ने जो मंदिर के द्वारा जो निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूति मंदिर है जो ऐहोल की गुफाओं में, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐहोल का लाड खान मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऐहोल का जो लाड खान मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो ऐहोल का जो लाड खान मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है लाड खान मंदिर। नेक्स्ट है, पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। तो पापनाथ का मंदिर और पत्तडकल का निर्माण जो है ये किस वंश के शासक ने किया है, वातापी के चालुक्यों के द्वारा किया गया है। और ये पापनाथ का मंदिर है कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है, जिसका निर्माण जो है वातापी के चालुक्यों ने किया। नेक्स्ट है, मत्विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था, मत्विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट है, विचित्र चित्त मत्विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था। मत्विलास विचित्र आदि जो उपाधि है इन सबको धारण करने वाला जो पल्लव शासक है वो कौन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय है। ठीक है, महेंद्र वर्मन द्वितीय है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। तो मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली इसका आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था। द्रविड़ शैली जो है इसका आरंभ हुआ था पल्लवों के समय में, पल्लवों के समय में जो है द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ था। सुमेलित करना है, मंदिर निर्माण शैली है और उसके प्रतिपादक हैं महेंद्र वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली जो है इसके प्रतिपादक कौन है, महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक है महेंद्र वर्मन प्रथम। माम्मल शैली के जो प्रतिपादक है वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली के जो प्रतिपादक है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, और अपराजित शैली के जो प्रतिपादक हैं वो है नंदी वर्मन। तो महेंद्र वर्मन शैली के महेंद्र वर्मन प्रथम है, माम्मल शैली के नरसिंह वर्मन प्रथम है, और राजसिंह शैली के नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, अपराजित शैली के नंदी वर्मन है। सो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, ए का वन, बी का टू, सी का थ्री एंड डी का फोर। नेक्स्ट है, माम्मलम पूरम किसका समानार्थी है। माम्मलम पूरम जो है ये किसका समानार्थी है, तो ये महाबलीपुरम का समानार्थी है। महाबलीपुरम कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसी से एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कोरोमंडल तट जो है ये किसको कहा जाता है, कोरोमंडल तट। देखते हैं आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं या नहीं, या सिर्फ मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। वो कौन सा शासक था जिसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। तो शक्तिशाली नौसेना थी चोल के पास, चोल शासकों के पास जो है शक्तिशाली नौसेना थी। ये दुनिया का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को भी जगह दी थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य जो थे ये दुनिया के पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को जगह दी थी, और इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी।
नेक्स्ट है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश में स्थित है। तो भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है ये कहाँ पे स्थित है? तो भगवान नटराज का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये स्थित है चिदंबरम में। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये तैलब द्वितीय हैं। तैलब द्वितीय जो चालुक्य राजवंश का था 972 ईस्वी के आसपास इसने अंतिम राष्ट्रकूट राजा थे कर्क द्वितीय इसको परास्त किया था। तो क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका, मतलब कि राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम राजा था कर्क द्वितीय इसको पराजित किसने किया? कर्क द्वितीय को पराजित किया तैलब द्वितीय ने। ठीक है, तो तैलब द्वितीय ने जो है राष्ट्रकूटों का वंश खत्म किया था। नेक्स्ट है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में जो चोल राजवंश का मुख्य योगदान है वो क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। चोलों के अभिलेखों से जो है ज्ञात होता है कि उनका जो शासन था वो सुसंगठित था। ठीक है, चोल ग्राम सभाएं जो है वो क्या कहलाती थी, ये भी क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो चोल जो ग्राम सभाएं थी वो उड़ या फिर सभा कहलाती थी, उड़ या सभा कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया था। तो एलोरा का जो गुफा है उसमें 34 जो है मंदिर है, गुफाओं का मंदिर है। ठीक है, 34 टोटल। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है ये किस सदी से किस सदी के बीच हुआ था ये बताना है। तो पहले तो एलोरा की जो गुफा ये कहाँ पे है ये मैं बार बार बता रही हूँ और प्लीज़ याद रखिएगा, एलोरा का गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में वेरुल नामक स्थान है वहाँ पर है और इसको बनवाया गया था 700 से 800 ईस्वी के बीच, ऐसे 7वीं से 9वीं शताब्दी भी बोलते हैं, ऐसे भी आता है, उसके बीच जो है एलोरा गुफा का जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो तीन मुख वाली जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति है जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है ये किस गुफा में है? ये स्थित है एलिफेंटा गुफा में। ये एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा। नेक्स्ट है हेन सोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? हेन सोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट है पल्लवकालीन पर शासकीय विभाजन और प्रधान इसको मिलाना है, राष्ट्र या प्रांत इसके प्रधान कौन हुआ करते थे? राष्ट्र या फिर प्रांत इसके प्रधान होते थे राष्ट्रिक। राष््ट्र के प्रांत कौन होते थे? राष्ट्र के सॉरी प्रधान कौन होते थे? राष्ट्रिक होते थे। विषय जिला को विषय कहा जाता था, इसके प्रधान कौन होते थे? तो जिला का जो प्रधान होता था, विषय का जो प्रधान होता था वो होता था विषयिक। ठीक है, कोट्टम के प्रधान कौन होते थे? कोट्टम का प्रधान होता था देशाधिकृत और ग्राम का प्रधान होता था ग्राम भोजक। तो नाम से ही मिलता है राष्ट्र का राष्ट्रिक, विषय का विषयिक, ग्राम का ग्राम भोजक और जो बच गया कोट्टम इसका देशाधिकृत। सो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलवारो वैष्णव संतों एवं नयनारो सैफ संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो अलवार वैष्णव संत और सैफ संत थे, इनके द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ था वो हुआ था पल्लव राजवंश के समय में। नेक्स्ट है महाभारत का भारत वेंता नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? तो महाभारत का जो है तमिल में अनुवाद किया गया है भारत वेनवा के नाम से। महाभारत का तमिल अनुवाद किस नाम से है? भारत वेनवा के नाम से है। ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? पेरुनदेव नार के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों और रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के द्वारा कराया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा मंदिर है जिसको राजसिंहेश्वर या राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है कांची के कैलाशनाथ मंदिर को। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है, इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा थे राज सिम्हा, इन्होंने जो है अपनी पत्नी के प्रार्थना करने पर बनवाया था। उनकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मंदिर बनवाइए, तो राज सिम्हा जो थे पल्लव वंश के राजा, इन्होंने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको राज सिम्हेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल ने जब बंगाल पे अभियान किया था, उस समय बंगाल का शासक कौन था? महीपाल प्रथम था। नेक्स्ट है, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनियों यानी पारसियों पारसियों को शरण दी थी, जो पर्सिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो ईरान से जो है पारसी लोग वो समुद्र के द्वारा फरार होकर के पश्चिमी भारत पहुंचे थे, तो उन लोगों को किसने शरण दिया था 8वीं शताब्दी में? तो शरण दिया था राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने जो है इनको शरण दिया था। नेक्स्ट है, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो वेंगी के जो चालुक्य राज्य थे, इसका चोल साम्राज्य में विलय कराया था, ये किसने कराया था? राजेंद्र तृतीय ने कराया था, जिसको कोलंतुक चोल प्रथम भी कहते हैं, इनके द्वारा कराया गया था, राजेंद्र थर्ड तृतीय, ठीक है, राजेंद्र तृतीय ने कराया था वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय। नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत, ठीक है, शक संवत विक्रम संवत तो सुना है सबने, चालुक्य विक्रम संवत जो है इसका प्रचलन किसने कराया था? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन कराया गया था विक्रमादित्य षष्ठम के द्वारा, ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठम के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था। चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठम जो है इसके वेड रावे याद रखिएगा, मे भी पूछ दे कि कैसे पता चलता है, तो वेड रावे शिलालेख से ये हमें पता चलता है कि विक्रमादित्य जो थे इसने शक संवत के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत चलाया था, ठीक है, तो ये विक्रमादित्य षष्ठम हो जाएंगे ना, सिक्स्थ, ओके। नेक्स्ट है, विक्रमा चरित्र चरित्र का रचयिता विल्हन एवं मित्राक्षा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक कौन थे? तो विक्रमाचरित का रचयिता है बिल्हन, पहला तो ये पॉइंट, और मिताक्षरा के रचनाकार है विज्ञानेश्वर, इसके संरक्षक शासक कौन थे, मतलब ये लोग जो है किस शासक के दरबार में रहते थे, किस शासक ने इनको संरक्षण दिया हुआ था? तो वो थे विक्रमादित्य, ओके, विक्रमादित्य थे। क्या नाम है? विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हन और मित्राक्षा के रचनाकार विज्ञानेश्वर, किसके संरक्षण में थे? विक्रमादित्य के संरक्षण में थे। चलिए नेक्स्ट है, मित्राराक्षा की विषय वस्तु क्या है? मित्राराक्षा इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता इसकी विषय वस्तु है। मित्राराक्षा किसका रचना है? विज्ञानेश्वर का रचना है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट है, गोपुरम यानी मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का जो स्वरूप है वो सर्वप्रथम यानी मुख्य द्वार के जो प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप मिलता है वो सर्वप्रथम किस मंदिर से मिलता है? कांची के कैलाशनाथ मंदिर से मिलता है, जिसको राज सिम्हा ने बनवाया था। नेक्स्ट है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो है ये किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो कौन सा राजवंश था जिसमें शासक जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो वो थे चोल शासक। चोल राजा जो होते थे वो अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, जिन्हें युवराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? युवराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तक्कोलम का जो युद्ध है ये किसके किसके बीच हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। नेक्स्ट है, एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो ये क्वेश्चन बार बार पढ़ चुके हैं, एलोरा गुफा का जो निर्माण है ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है?
तो एलोरा में जो गुफा है और सैलगिरी तो मंदिर है, इनका संबंध हिंदू, बौद्ध एवं जैन इन तीनों से ही धर्मों से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ठीक है, हमने पढ़ा भी है ना, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता जो ये चोल प्रशासन की विशेषता थी। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का जो राज्य था ये फैला हुआ था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। कोरोमंडल तट के बारे में तो आपको बताना है, ये बताइएगा कमेंट में जरूर। नेक्स्ट है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, चोल शासकों के समय में जितनी प्रतिमाएं बनी है उसमें सबसे अधिक जो विख्यात हुई है वो हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं मेडिवल हिस्ट्री में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सल्तनत काल, मुगल काल, मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए जो वीडियोस आएंगे अब वो पार्ट्स में आएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था कि मैम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और इतने सारे क्वेश्चन मतलब कैरी नहीं कर पाते एक बार में, तो बात सही भी है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो आसान भी लगता है एक बार में 100-150 क्वेश्चन पढ़ लेना, लेकिन जो लोग नए हैं पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको उनके लिए याद रखना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो लाऊंगी। तो इस चैप्टर का जो है ये पहला पार्ट था जिसमें हमने 60 क्वेश्चन देखे हैं, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा अगर अब तक नहीं देखा, और रिविज़न करते रहेंगे, प्लीज़ भूलेंगे नहीं, जो भी पढ़ा रही हूँ उसको रिविज़न करते रहिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।